सही आओ ना। चलो ठीक, तो ये कमेस्ट ठीक है, IUPAC ठीक है, यहाँ नाम लिखा हुआ IUPAC, दोनों के फुल फॉर्म दिया गया बा इंटरनेशनल यूनियन पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, एक जो है फुल नाम है। एक है मतलब का होता है कि जो बा इंटरनेशनल मतलब पूरे संसार में या विश्व में कहीं भी यह नाम का तू लिखत है तो वो नाम तुम्हार का बा वैलिड बा। अगर ऐसा नाम तुम्हें लिखा मिलत है कि या कोनो भी स्ट्रक्चर ऐसे लिख देते हैं तो कहीं भी केमिस्ट्री के भी टीचर प्रोफेसर या स्टूडेंट रहे तो लिख देवा तो वह स्ट्रक्चर वो जो बा पूरे विश्व में का हुए बनाइए। अगर ओकरे आवत रहे थोड़ो बा ठेला वाले दे दे ना आवत बा तू बना डायरी ठीक है। तो जेकरे ये चीज़ आवत रहे वो जो बा है, अगर जैसे यहाँ से हम कोनो भी स्ट्रक्चर बना दिए, हम लिख दिए मेथिल, का लिख दिए मेथिल, तू चाहे जहाँ भी रहे वो CH3 ही लिखा जाए, का लिखा जाए CH3। तो मतलब इंटरनेशनल पूरे विश्व में यह नाम के का दिया गया वैलिडिटी दिया गया। ऐसे पहले जैसे कि तो ऐसे साधारण नाम पढ़ा तो साधारण नाम हर जगह वैलिड ना बा ठीक है, अपने यहाँ पे ही वैलिड है, कुछ जगह और वैलिड हो ठीक है, लेकिन जोन भाई इंटरनेशनल वाला जोन बा पूरे विश्व भर में का बा वैलिड बा। अब चाहे तो USA के लेला, अमेरिका के लेला ठीक है, या अलग अलग देशों के लेला ठीक है, तो चाहे जोन देश जापान चाइना ठीक है या पाकिस्तान या कोनो भी देश लेला, जोन भी देश रहे सब जगह यह देश के का रहे एक वैलिड बा, वह चीज़ वहाँ पे का हुए पढ़ाया जाए। तो IPSC में सबसे पहले सीखे से ये जाना कि IPSC नाम लिखे से पहले एक कुछ नियम बा, वो नियम का हमें का करे पड़े सीखे पड़े और नियम के माध्यम से ही हम का करें आगे की तरफ बढ़ा। जैसे कि कोनो भी MA पहला नियम ही जाना, फर्स्ट नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम कि कोनो भी IPSC नाम लिखे से पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जोन रहे ठीक है, हमें कोनो चयन दिया जाए, चयन मतलब का एक श्रृंखला दिया जाए उनमें जोन सबसे लंबा वाला रहे वही हम का करब चुनब। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में कि तोरे पास जोन बा CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। अब MA देखा जाए नंबर उम्बर हम एक करब नंबरिंग करब ठीक है, तो MA जो सबसे लंबा रहे वही चुनब। जैसे हम एक तरफ से शुरू करे थे यहाँ से मान लो शुरू करब तो 1 2 3 4 इधर अगर हम जाए तो हमें 4 मिले ठीक है, और वही हम छोड़ के अगर इधर की तरफ चला जाए तो 4 और 5 मिले। तो MA हम सबसे पहले मेन बात की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का होकर चुनब, जोनी और हमार सब कार्बन श्रृंखला ज़्यादा रहे वही ओर का चुनब। तो ये पहला नियम है, अगर नोट गलत क्वेश्चन कि पहले नियम में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुना जाए। फिर ओकरे पश्चात इनमें बताई याद बा कि जोन कार्बन श्रृंखला हम चुनब सबसे लंबा वाला ओकरे ऊपर जोन बाटे हम ओके नंबरिंग करब। जैसे हम 1 2 3 4 की हैं ओके जोन बा हम का करब दूसरा नंबर पे नंबरिंग करब, ओके नंबर संख्या बताए कि कौन कार्बन कौन नंबर पे बाटे ठीक इतना भाई। फिर ओकरे पश्चात MA जोन बा कुछ रूल बा, वह रूल के हिसाब से तुम्हें काम करे पड़े। जैसे कि कुछ चीज़ जोन बा तुम्हार MA नाम लिख जात है, पहले नाम वाला हम सुन ली कि कार्बन श्रृंखला में नाम का होता है ठीक है, कौन कार्बन के लिए कितना नाम लिखा जाता है या कार्बन चयन का होता है। कार्बन चैन या कार्बन श्रृंखला जो बोला था कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन चैन या कार्बन श्रृंखला जैसे हमारे एक कार्बन की श्रृंखला बा, दुई होत है, तीन के, चार के, पाँच के, छः के, सात के, आठ के, फिर नौ के, फिर 10 के, 11 के, 12 के, तो वैसे हमें 8-9 तक 10 तक ही बहुत ज़रूरत पड़े थे, इससे ज़्यादा ना पड़े ठीक है ओके। आगे ज़रूरत पड़े तो देखा जाए। तो यहाँ जोन बा हम एक कार्बन के लिए मेथ लगाई थे ठीक है, एक कार्बन के लिए क्या लगा था मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पाँच कार्बन के लिए पेंट, छः कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट और नौ कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक।
ठीक है, ये कार्बन श्रृंखला में हर एक कार्बन के लिए का होते हैं लिखा जाता है, जबकि साधारण नाम पद्धति में तुम्हें ये कुल नाम बताया गया कार्बन चैन का होते हैं, ये सब ना बस उनमें डायरेक्ट नाम आवत रहा और लिख उठत रहा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तुम्हें कार्बन श्रृंखला के भी का हुए जरूरत पड़े तो एक कार्बन के लिए मेथ, दुई के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए पेंट, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, ठीक है, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए आक्ट, नौ के लिए नॉन और दस के लिए डेक। ये मुझवानी याद होनी चाहिए तब एक तुम्हार जो आई पी एस सी जो उनका हल हुए उनका हुए मदद हुए, तो जेकरे ना याद बा उका करा मुझवानी का याद कर डाला। और फिर एक साथ साथ परफिक्स का होता है एम ए कार्बन चैन, फिर उसके बाद परफिक्स इम्पॉर्टेंट रखत है, परफिक्स का होता है या जोने का हिंदी में बोला जाता है पूर्व लग, पूर्व लग। तो परफिक्स का होता है कार्बन श्रृंखला के साथ साथ अलग कुछ परमाणु जुड़ा रहा थे जोने हम का बोली थे परफिक्स बोली थे, जैसे एग्जांपल फॉर तुम्हार जितना हाइलोजन फैमिली है, हाइलोजन फैमिली का हम एक्स से डिनोट करी थे, इन्हें भी का कहा जाता है परफिक्स कहा जाता है। जैसे हाइलोजन फैमिली में आओ तुम्हार एफ सी एल बी आर और आई, ठीक है, तो एफ का हम यहाँ फ्लोरो लिखित है, फ्लोरो, सी एल का यहाँ क्लोरो लिखा जाता है, बी आर का ब्रोमो और आई का आइडो, ठीक। फिर ओके साथ साथ परफिक्स में और भी कुछ होते हैं, जैसे जितना भी एल्केन हैं एल्केन में से तुम्हार एक हाइड्रोजन निकल जाए, जितनी एल्किल ग्रुप होते हैं वह भी परफिक्स में का किया जाते हैं यूज किया जाते हैं, एक एल्किल ग्रुप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो काव कहा जाता है एल्किल ग्रुप, तो वो भी परफिक्स के रूप में का होते हैं यूज किया जाते हैं। जैसे हमारे पहले कार्बन के लिए एल्केन के होते हैं सी एच फोर, तो हम अगर उसका सी एच थ्री लिखी तो यो हमारा का है एक परफिक्स है जोने के लिए हम का लगाए थे मेथिल, का लगाए थे मेथिल। अब एल्किल ग्रुप है ये, जबकि एक अगर हम सी एच फोर लिखी तो साधारण नाम मेथेन हो, एक हाइड्रोजन निकल गए तो का हो ये मेथिल हो गए। फिर नेक्स्ट अगर हम यही कहे दूसरे कार्बन की श्रृंखला ले ली, एक दूसरे कार्बन श्रृंखला को थे एक्चुअल में सी टू एस सिक्स, तो एक अगर नाम लिखा जाए एथेन होए, लेकिन एक सी एच सिक्स से लिख दे, सी एच सिक्स से हटा के हम का लिख दे सी एच फाइव लिख दे, तो एक नाम का हुई एथिल। वैसे तीन कार्बन का अगला आइए, ठीक है, अगर तीन कार्बन का आ गया तो उसके लिए प्रोपिल हो जाए, चार कार्बन के ब्यूटिल, ठीक है, तो ऐसे नाम जो है का होता है चलत रहे आगे। तो ये तुम्हार कुछ परफिक्स हैं, परफिक्स में कुछ क्रियात्मक समूह भी होते हैं, का होते हैं अब क्रियात्मक समूह या जो फंक्शनल ग्रुप बोल जाते हैं, तो इधर वाला नोट किया जे ना करे हुआ कैला ना आगे मिटा उठना क्या हुआ, अच्छा उधर ठीक है नोट करूँ, ये सब मुझवानी याद करत रहा, मुझवानी से ही तो ऐसे सबके आई पी सी का होए सरल होए, और आई पी सी का श्रृंखला भी दिया जाए बनावताई, ठीक है, बहुत सारी श्रृंखलाएं जो है भी का हुए बनावताई और श्रृंखला के अच्छा भी लागत है। हाँ दिखा के भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना। तो कुछ परफिक्स आउट तो ऐसा देख लाए मैं, ठीक है, तो कुछ परफिक्स में और ये में जैसे कि तुम्हार अगर कहीं पे आई जात है ओ आर, ठीक है, कहाँ आई जात है ओ आर, तो ओ आर आई जात है तो एल के लिए लग जाते एलॉक्सी, कहाँ आई जात है एलॉक्सी, ठीक है। या और परफिक्स देख ला एम में, अगर तोरे में कहीं आई जात है एन ओ टू, कहाँ आई जाता है एन ओ टू, तो एक लिए लागत है नाइट्रो, क्या लगता है नाइट्रो, ठीक है, एन ओ टू कहीं आ गया तो क्या लगेगा नाइट्रो, अगर एन ओ आ गया तब क्या लगेगा एन ओ के लिए क्या लगेगा नाइट्रोसो, क्या लगेगा नाइट्रोसो,
कौन लगेगा? नाइट्रोसो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं, अगर तुम्हारे में कहीं आ गया CH2Cl तो इसके लिए क्या लगेगा परफिक्स में? अरे CH2Cl इससे जुड़ा भी रहेगा ना, बैलेंस ही पूरा हुआ। CH2Cl तो इसके लिए क्या लगेगा? क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। तो ये कुछ जोन है तुम्हारे कहाँ हुए परफिक्स हुए जो उनकी यूज किया जाए हैं पूर्व लग्न के रूप में, ठीक है। पूर्व लग्न का होती तो आगे देखत रहा, पूर्व लग्न भी अब पता चल जाए। आईपीएससी का जितना भी चीज बा एक एक चीज नोटिस करते रहा तब तुम्हें जो है का हुए पता हुए, ना तो सब कुछ का हुए रिमेमोराइज हो जाए, मतलब सब कुछ याद रहे तब आईपीएससी नाम का हो पाए बन पाए। पहले कुछ सीख ला सूत्र हो तो फिर बन रहे करे। अब आगे तो हर फंक्शनल ग्रुप का होथिन, फंक्शनल ग्रुप या एकाद सेकेंडरी सरफिक्स भी कही जाते हैं, ठीक है। एकाद सेकेंडरी सरफिक्स भी बोल जाते हैं या सरफिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप या सरफिक्स या हिंदी में क्रियात्मक समूह भी बोला जाता है। इसका फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह और सरफिक्स क्या बना जाता है? अनुलग्न, उसे पूर्व लग्न से अनुलग्न, ठीक है। हिंदी आसान है पढ़ो, कठिन है पढ़े में लागत है। अब धीरे धीरे जोन पढ़े लगभग वह आसान हो जाए, तो इंग्लिश आसान हुई है ताकि आगे की जरूरत का हमारा इंग्लिश का। जैसे तुहार कहीं भी लिखा हुआ COOH, ठीक है। तो इसके लिए क्रियात्मक समूह में क्या लगेगा? इसके लिए क्या लगे? ओइक एसिड। इसका नाम लिखा जाए कहाँ? ओइक एसिड। तो कुछ महत्वपूर्ण ही लिखा जाता है, बहुत सारा जोन है का किया गया दिया गया, जोन तो हर ज़्यादा यूज होते वह लिखा उठत बा। COOH के लिए क्या लगेगा? ओइक एसिड, ठीक। फिर उसके पश्चात चला ठीक CHO के लिए क्या लगे? अल OH अल। और इसके लिए NH2 एमीन, ठीक है। NH2 एमीन, CN नाइट्राइल, साइनाइड भी कहीं कहीं लिखा जाता है। वो जब तुम्हारा अनुलग्न के रूप में प्रयोग होगा कहाँ साइनाइड में, साइनों के रूप में काउ किया जाता है लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ दिया, अगर सब लिखा दिया जाएगा तो बहुत जान लगता है। CO, ठीक है। C=O या CO लिखा हो तो उसके लिए क्या लगेगा? ओन, ये कीटोन ग्रुप का है। COOR इसके लिए लगता है 8। COO के लिए क्या लगता है? 8। CONH2 इसके लिए लगता है एमाइड,
एमाइड, ठीक। ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्यों बा वो लिखाई दी थी। ठीक चला, इतने से तुहार लगभग लगभग काम का ये चल जाए, और जो बचा रहे बाद में बताओ के। ठीक है, का नोट कहला, नोट करे में तुम्हें कार्बन चैन पता चल गए, परफिक्स पता चल गए, और का हुई ये सरफिक्स पता चल गए। ठीक है, तो अब एक जो बार नंबरिंग लिखे तरीका का होता है, नंबरिंग कोनी ओर से कोनो कार्बन पे कैसे किया जाता है एका, तो वही सब नियम ही बा। तो नियम पहले ध्यान से देखत रहा, फिर उसके बाद कार्बन चैन जैसे बने शुरू हुए तैसे का हुए आसानी हुई थे सबका। ठीक है, तो नियम ये हुई है, तो ये सब उल्टा सीट पे बैठते ही हो, इधर कहा जाता है बैठो। ठीक है, सीट जब खाली है तो मिडिल वाले बैठना चाहिए। ठीक है, जब सीट ना हो तो इधर उधर बैठो तो अच्छा लगता है। आगे वाले बच्चे काहे धीरे धीरे तेज हो जाते हैं, इसका कारण जानते हो? आगे बैठे थीन देखा थीन ना, एक एक कारण ये है कि वन आगे बैठा थीन तो वन सीधे जो है अध्यापक के का नज़र में रहा थे, तो यन जो है इधर उधर ज़्यादा करे के ना पोथिन, पीछे वाले वन जो है अपन इधर उधर करत रहा थे, तो उनके माइंड जो होते का होते हैं डाइवर्ट होते रहते हैं, लेकिन आगे वाले इधर उधर ना पीछे वाले इसे कह रहे हैं, यहाँ आगे वाले इसे कह रहे हैं। तो ओका तो सबका जो बात क्रियात्मक समूह का हम सेकेंडरी सरफिक्स बोले रहे, का बोले रहे हैं सेकेंडरी सरफिक्स, तो प्राइमरी सरफिक्स भी जान ला का होते हैं, प्राइमरी सरफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सरफिक्स का होता है कोनो भी कार्बन में कितने बंध द्वारा जुड़ा होथिन, ठीक है, या कितने बॉन्ड द्वारा वन एक दूसरे से अटैच होथिन, वही का बोल जाता है प्राइमरी सरफेक्स बोल जाता है। जैसे एग्जांपल फॉर एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक लिए एन लग जाए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक लिए एन लग जाए, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक लिए आयन लग जाए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लागत है। ठीक है, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड तो नहीं, अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आवे, ठीक से, जैसे दो बार आइए तो के लिए डाई लागे, अगर तीन बार आइए ट्राई लागे, और चार बार आइए तो टेट्रा लागे, पेंटा, पांच बार आओ तो बहुत टाइम मिले। ठीक है, तो एक बार के लिए डाई, दो बार के लिए ट्राई, और चार बार के लिए टेट्रा जो है इनमें का होते हैं लागत है, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं, नहीं तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाए शुरू कर था, सिंगल बॉन्ड तो कुल में मौजूद रहा था। ठीक है, ना पता नहीं कितना बॉन्ड लगाए थे लोग ने तो सब। ठीक, इतना समझ में आए? अब ये कार्बन चैन जब सामने आए तब पता चले। अब इनमें नंबरिंग कोनी तरफ से किया जाता है, ओके वरीयता दिया जाता है। तो पहले तो ये सब सीखा कि नंबरिंग में हम सबसे बड़ी काव करी थे कार्बन चैन चुनित है। ठीक है, सबसे बड़ी काव करी थे कार्बन चैन, तो कार्बन जो नहीं वो लंबा रहे वो काम काव करा चुनत जा। ठीक है, लेकिन नंबरिंग हम कोनी ओर से शुरू करी, कौन सही तरीका बा, ठीक है, एक लिए पहले हमारे जो तरफ फंक्शनल ग्रुप आए रहे, फंक्शनल ग्रुप या जो क्रियात्मक समूह बोला था, जोनी तरफ से हमारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे, नंबरिंग हमारे उधर से स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ और भी कुल आ गए हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप का ही वरीयता दें। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप ना आएगा तब नंबरिंग हमारे जो है बॉन्ड की तरफ से हुई। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से, मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज़्यादा वाला बॉन्ड जो होता है उसका मल्टीपल बॉन्ड बोल जाता, जैसे दो या तीन वाला। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप ना आएगा तो नंबरिंग हम मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता दें, अगर यो ना आएगा तब हम वरीयता दें परफिक्स का, उन्हें का परफिक्स का या जो पूर्व लग्न बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, परफिक्स का या पूर्व लग्न का, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड वाले में भी कंडीशन बन जाता है कि अगर जो उनका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साइड में इक्वल आए, ठीक, एक नंबर पे इधर से ई हो आइए, एक नंबर से इधर से ई हो एक आइए, तो वरीयता जो ना हम डबल बॉन्ड वाले देव, कौन देव, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड का वरीयता ना दे, मतलब एक तरफ से नंबरिंग स्टार्ट ना करम। अगर दोनों एक दूसरे से जैसे ई दो नंबर पे आइए, ई पहले नंबर पे आइए, तो ई ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर पहले नंबर पे आइए और एन दो नंबर पे आइए, तब हम नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से कह दें। जब दोनों सेम रही है तब हम इन वरीयता दें, अगर दो नंबर पहले आएगी तो इन्हें हम कभो न दें, ठीक है। तो दुई नंबर वाला अपन काम का करें, अगर मान ला दो नंबर वाला दुई पे तीन पे चला गया, वो पहले पाएगा, तो तब हम नंबरिंग एक तरफ से का कह दे स्टार्ट कर दे, ठीक। इतना इनमें कंडीशन का हो दुआ बन दुआ। अब नाम लिखे पद्धति, नाम में नंबरिंग के पद्धति रहा, ठीक है, नंबर कैसे डाला जाए या नामिंग क्लेचर कैसे किया जाए, नामिंग क्लेचर नहीं, उसके ऊपर जो है अंकन, हिंदी में बोला जाता अंकन और इंग्लिश में बोला जाता है नंबरिंग कैसे किया जाए, तो ये जान ला एक फार्मूला है, ठीक है, कार्बन के नंबरिंग कैसे किया जाए। नेक्स्ट अगर तू है जो बाप, अब नाम में नाम के पहले लिखा जाए वो भी जान ला, तो नाम में पहले नाम लिखा जाए परफिक्स के नाम लिखा जाए परफिक्स, FCL या हाइलोजन फैमिली रहे हैं उनके नाम पहले का किया जाए लिखा जाए परफिक्स, जितना रहे कापी में या अभी ऐसे पहले जो बताया गया उसका का करना नोट डाउन करिए या कापी में देखा था, पहले का रहे परफिक्स रहे, पहले परफिक्स नंबरिंग किया जाए, फिर उसके बाद रूट वर्ड मतलब कार्बन के जो चयन रहा, ठीक है, कार्बन चयन का ही का बोला जाता है रूट वर्ड बोला जाता है, फिर उसके बाद कार्बन चयन के पश्चात प्राइमरी सरफेस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, प्राइमरी सरफेस पर, ठीक है, फिर उसके बाद जो उनका सेकेंडरी सरफेस, ठीक है। तो एक है जो है नंबरिंग के ही कुछ का है पद्धति है, और ये जो है नाम ऐसे लिखा जाए, तो नंबरिंग वाला ऊपर है और ये नाम क्लेचर वाला है कि नाम में पहले नाम के लिए, तो नाम में पहले परफिक्स लिखा जाए, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सरफिक्स, फिर सेकेंडरी सरफिक्स, लेकिन नंबरिंग में नंबर कोनी ओर से शुरू होए, पहले फंक्शन ग्रुप जो ने कहे हमें जो उन सेकेंडरी सरफिक्स बोला था, ठीक है, फिर जो उन मल्टीपल बॉन्ड, फिर ओके बाद जो है परफिक्स, ठीक है, एक नंबरिंग में नंबरिंग यह कही जाए और नाम इस तरीका से लिखा जाए, ठीक। नोट करो क्या हो गया, बहुत स्पीड काम, इधर नोट नहीं कर रही हो, चला एक पहला स्टेप में शुरू किया जाए, आसान से ही स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें काउ करेगा कोनों का नाम लिखेगा या किसी में काउ करेगा नाम क्लेचर करेगा या जो
फिर नंबरिंग करेगा, खराब करेगा, नंबरिंग करेगा। तो नंबरिंग में हम पहले देखा कि फंक्शन में ग्रुप करेगा तो हमारे एम में कहीं फंक्शन ग्रुप ना आएगा। एक दूसरा नंबर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी ना आएगा, परफिक्स भी ना आएगा, तो इनमें मतलब हमारे कुछ से कुछ ना आएगा। ठीक है, नंबरिंग हम चाहे जो नहीं तरह से कह लें, चाहे हम इधर से कह लें इधर से, कार्बन श्रृंखला भी ना चुने हैं, एक दो और तीन, तीन कार्बन आए तो तीन कार्बन की एक लागत है प्रो, तीन कार्बन की एक प्रो। ठीक है, तीन कार्बन की प्रो लागत है और सब में सिंगल बॉन्ड से बैलेंसी के पूरा होता तो पढ़ा लिए। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से कैसे पूरा होता है, एक हम कार्बन श्रृंखला का होकर गिनब। ठीक है, कार्बन के गिनब, जैसे ही कार्बन बा बैलेंसी चार हो चाहिए, इधर से एक लेत बा और तीन हाइड्रोजन जुड़ा है तो चार एक पूरा बा, कहीं डबल बॉन्ड हमें दिखाई ना देत बा, तो ये जोन पर एक बैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरा होत बा तो एक लिए लागे का एन। ठीक है, तो का है ये प्रोपेन। ठीक, कोई गए जाना था तो ऐसे बचना है, चला एक स्टेप और बढ़िया। CH3, CH, CH, CH2, OH। दिमाग में संरचना बहुत सारे बन रहे हैं, हम सोचे थे किताब वाला ही काव किया जाए तो सबका कुछ दिया जाए। ठीक, अब नंबरिंग कोनी तरफ से हुई, पहले नंबरिंग में हम सबसे लंबी कार्बन चैन चुनब। ठीक है, जैसे हम इधर से अगर नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करते, इधर से मान लो स्टार्ट करते तो एक दो तीन चार इधर भी हमारा जाए, एक दो तीन चार इधर भी जाए, अगर हम नीचे लाए तो एक दो तीन ही हमें का हुए प्राप्त हुए। तो नंबरिंग में हम नंबरिंग में सबसे लंबी कार्बन चैन, चाहे हम सीधा जाए चाहे इधर आए, हमारे दोनों एक के बाद हुए। ठीक, तो सबसे लंबी कार्बन चैन और कोनी ओर से नंबर कही जाए तो नंबरिंग में सबसे पहले जोनी ओर से फंक्शनल ग्रुप आए हुए, नंबरिंग वही ओर से स्टार्ट हुए तो ओ एच ग्रुप आ गए, तो ये फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो नंबरिंग हमारे इधर से ही का हुई जाए स्टार्ट हुई जाए, तो एक दो तीन और चार, नंबरिंग जब हमारे हो गए तो काम हो गया अब ख़त्म। ठीक है, अब हमारा काम हो जाए लिखे वाला, ओके, नाम लिखे वाला। तो नाम लिखे में पहले हम सबसे पहले लिखा परफिक्स, अब परफिक्स का हमें पहचान करे पड़े, तो सबका परफिक्स याद करे पड़े, जेके परफिक्स ना याद होगा का करे पड़े, याद करे पड़े। तो परफिक्स में यहाँ हम देखा थे एक परफिक्स हमारा लागबा और एक परफिक्स यहाँ लागबा। ठीक है, दो परफिक्स का है लाग हैं और दोनों परफिक्स जोन बा अलग अलग कार्बन पे लाग हैं और एक ही ग्रुप के हों। ठीक है, तो एका लिखे ताई जोन बा जोने कार्बन पे जोन परफिक्स लाग बा, एक ही दो नंबर पे लाग बा तो के दो। ठीक है, और एक ही तीन नंबर पे लाग बा तो तीन, दो बार आए बा तो के लिए का लग जाए डाई। ऐसे अब क्लियर हो जाए बा कि हमार परफिक्स कोने कोने पोजिशन पे लाग बा, तो दो बार डाई हो गए और दोनों जोन बा अलग अलग कार्बन पे लाग बा, तो अब ये जोन बा मेथिल ग्रुप है तो हमारे यहाँ का लग जाए मेथिल। तो वन कामा थ्री कामा डाई मेथिल। ठीक है, अगर हमें जोन बा एक चीज़ हमें जब भी हमार आईपीसी लिख जाए, ठीक है, हमारा आईपीसी जब भी लिख जाए तो आईपीसी में बड़े लेटर के इस्तेमाल न किया जाए। आईपीसी में का हुए बड़े लेटर के इस्तेमाल न किया जाए, स्मॉल लेटर में लिख जाए और अल्फ़ाबेट और नंबर का जब अलग किया जाए तो उनमें कामा ना लगाइए। नंबर नंबर अलग किए हैं तो हम यहाँ कामा लगाए दिए हैं, लेकिन नंबर और जब अल्फ़ाबेट अलग किया जाए तो वहाँ कामा ना लगे, वहाँ हाइफन लगे। क्या लगे? हाइफन। ऐसे एक का जो लागा से का बोला का हाइफन, हाइफन लागे, ये एक दूसरे का करे डिवाइड करे। ठीक, तो दो कामा तीन डाई मेथिल, अब कई कार्बन हमारा आएगा तो हमारा परफिक्स हो गया। अब कार्बन हम लिखा रूट वर्ड लिखा। ठीक है, तो रूट वर्ड में या कार्बन श्रृंखला हमारा कितना आएगा? चार। तो हमारा अब चार कार्बन श्रृंखला के लिए क्या लागत है? ब्यूट। चार कार्बन के लिए श्रृंखला के लिए ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से बैलेंसी पूरा होत बा तो क्या लग जाए एन, और ओ एच के लिए क्या लागत है? अल। तो मतलब प्राइमरी सरफिक्स हमारा सिंगल बॉन्ड पूरा होत रहा और सेकेंडरी सरफिक्स में हमारा क्या आएगा? अल आएगा। कब आएगा? अल आएगा, ओ एच आएगा, दोनों के लिए लागत है अल। चाहे हम यहाँ से ये हटाए के अल लगा दी या हम वन अल भी कह सके थे। ठीक है, वन आल भी कह सके थे, आल तो ही लगाए ए अब ही बनाए थे ख़त्म हुई हो। ठीक है, वन आल भी लिख सके थे या यहाँ से हम ई हटाए के दर पे भी आल जोड़ सके थे, दोनों हमारे सही बा और दोनों नाम का माना जाए सही माना जाए। तो नाम का पढ़ा जाए
2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। समझ में आए के कहा दो कुछ कुछ हवा लग रही है चला दूसरा स्ट्रक्चर देखा। बस यही ख़त्म करने के बाद 12 वाला तुरंत स्टार्ट करते हैं ठीक है। आईपीसी ही सीख लाइए एक आध दो दिन। चलो अभी इसकी नंबरिंग करो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनो। संरचना देखने में बहुत आसान बा लेकिन समस्याएं में का होता जटिल हो जाता। ठीक नंबरिंग अब कोनी तरफ से हुए दोनों ओर से हमारे क्रियात्मक समूह आए हुए। क्रियात्मक समूह इधर से आए तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट। एक चला दो ही पहुँचाई थी। अब मैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुने एक बार तो 3 और 4 इधर जात बा 4 5 6 अरे 3 4 5 इधर जात बा लेकिन इधर यहाँ डबल बांड आएगी बार। अब का एक हम लगाए अगर वो पूर्व लग्न हम मान ले या सरफिक्स मान ले अरे परफिक्स मान ले तो उसके लिए हम का लगाए कुछ नहीं ठीक है। तो अब हमारे नंबरिंग 1 2 3 और ये नीचे चला आए कहें कि मल्टीपल बांड आई हो तो नीचे आइए तो ये का 4 ठीक है। अब 4 कार्बन का हमने श्रृंखला प्राप्त होगी। अब नाम लिखे शुरू कर पहले हम नाम में का लिखा परफिक्स लिखा तो इधर ये हमारे परफिक्स हो गए अलग से जुड़ गए शाखा और ये अलग से शाखा जुड़ गए दो ही परफिक्स हो गए दोनों C2H5 हो CH3 CH2 का जब जोड़ जाए तो का बने C2H5 और C2H5 के लिए तो ये तो का बताएगी का लिखा गया बा एथिल का लिखा गया बा एथिल। तो नाम में एक C2H5 दो नंबर बा एठी 3 नंबर बा तो 2,3 हाइफन डाई एथिल डाई एथिल ठीक है। अब कार्बन श्रृंखला चुन जाए या रूट वर्ड जो उन्हें कही जाता है तो 4 कार्बन के प्राप्त है बा तो 4 कार्बन के लिए क्या लग गए ब्यूट। अब जो उन बात प्राइमरी सरफेक्स में आपकी डबल बांड दिखाई दी तो क्या लग जाए इन डबल बांड के लिए क्या लग जाए इन ठीक है। डबल बांड किस नंबर बा यो सही तो डबल बांड हमारे 3 नंबर बा के नंबर पे 3 इन और एक नंबर पे आर लाग बा चाहे हम यहाँ ई हटाई का आर लगा दी ना तो एक आर लगा दे तो ज़्यादा सही रही 1 R। तो ये हमारे नाम के स्ट्रक्चर हुई है ठीक जे अपन लिखे हुआ मैच कर ला गलत रहा हुई अरे तुम्हारा कब गलत रहता। ऐसे सेम स्ट्रक्चर दूसर यहाँ से हम जो बा C2H5 हटाए CH3 लगा दी दोनों किनारे पे ठीक है। चला हम हटा देते यहाँ से यहाँ का लगे CH3 लेते हैं अब नाम का हुई है 2,3 डाई एथिल ब्यूटेन ठीक है ब्यूट 3 इन का मिठाई वो सब जैसे तो ये सब जाना था वैसे नो सब जान जाती हूँ ठीक है।
पढ़ाई वाला वीडियो कोई इतना लंबे समय तक देखता नहीं, अब जिसे जज्बा होगा वही इतने लंबे समय तक का हुए देखिए, ना कितना जाने तो दुई मिनट बाद का होते भाग भग जाते। वो तो हम डाल दे रहे हैं, जिसका बहुत इच्छुक रहेगा वो का करेगा देख लेगा। ठीक, इतना हो गया। और स्ट्रक्चर दिया जाए, भूख लग गया, चला बंद कर दूं।